रणथंभौर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक बार फिर बाघ टी 120 और टी 121 में टेरिटोरियल फाइट की खबर है। आज शाम जोन 4 में फाइट का वीडियो वायरल हो रहा है। 12 दिसंबर को भी आपसी संघर्ष में बाघ टी 121 घायल हो गया था। टी 121 की नाक व अगले पैर पर चोट लगी थी। हालांकि वन विभाग ने वायरल वीडियो की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। इलाके की जंग जारी रही तो दोनों में किसी भी जान जा सकती है किसी भी की। अलबत्ता यही जंगल का कानून है, जिसमें दम उसका ही होता है इलाका। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, एक वीडियो सामने आया है, चर्चाओं में है, लेकिन ये जंग जो है वो जीवन की है, संघर्ष की है, इलाके की है। क्या लगता है जंग में कौन आगे दिखाई दे रहा है? देखिए, शिखर, रणथंभौर में लगातार जिस तरह से जो मेल टाइगर्स की संख्या बढ़ी है, उसके बाद टेरिटोरियल फाइट्स की जो घटनाएं वो लगातार सामने आ रही है। पिछले 12 दिसंबर को भी जो बाघ टी 120 और टी 121 के बीच जोन 4 के अंदर फाइट हुई थी, जिसमें टी 121 के चेहरे पर, खासकर नाक के पास बड़ा कट लगा था, दाएं पैर पर उसके आगे वाले पैर पर कट लगा था और काफी खून भरा। और उसके लगातार से मोहित गुप्ता जो डीसीएम है, उसमें निगरानी की जा रही थी, मॉनिटरिंग की जा रही थी, चिकित्सकों की टीम भी लगातार हीलिंग हुई उस घाव के। आज एक बार फिर इस तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है रणथंभौर से जॉन 4 का ही, जिसमें एक बार फिर 120 और 121 जो दोनों बाघ एक दूसरे से फाइट करते नजर आए, जिसमें आज भी 121 के चोटिल होने की सूचना लगातार जारी हो रही है। हालांकि इस मामले में डीसीएम मोहित गुप्ता से बात करने की कोशिश की, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है और वायरल वीडियो की अभी वन विभाग ने पुष्टि भी नहीं की, लेकिन जिस तरह की जानकारी आ रही है जोन 4 में लगातार, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ बाघ 120 और 121 का जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ है, दोनों भाई हैं वैसे, लेकिन चूंकि हम दोनों एडल्ट हो चुके हैं तो दोनों में लगातार जंगल का कानून भी है, जितना ज्यादा दम होता है वो इलाका उसका हो जाता है। दोनों लगातार टेरिटोरियल फाइट इसी वजह से हो रही है कि उस टेरिटरी को, उस इलाके को वो अपना बना सके और वहाँ जितनी भी जो पूरा क्षेत्र है उसमें अपना राज चला सके। लेकिन आज लगातार जिस तरह से टेरिटोरियल फाइट हो रही है, उसमें एक गंभीर चिंता का विषय ये भी है कि अगर दोनों में लगातार अगर इलाके की जंग जारी रही तो दोनों में से एक बात की जान जा सकती है। तो कोशिश ये की जा रही है कि दोनों को लगातार मॉनिटर किया जाए, दोनों को लगातार दूर रखा जाए, ट्रैकिंग टीमें भी लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद दोनों का आमना सामना लगातार 4 दिन में 2 बार होने पर निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। अब देखना यह है कि वन विभाग किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर करता है और दोनों को अलग रखने की कोशिश करता है। शिखर, निर्मल जी बिल्कुल, और देखिए वो वीडियो भी सामने आ गया है, हम दिखा रहे हैं वीडियो किस तरह से ये जिंदगी की जंग, टेरिटोरियल यानी कि इलाके को अपने नाम करने की जंग। निर्मल जी एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी ये संघर्ष इन दोनों के बीच हो चुका है, टी 121 को चोटें भी आई थी, क्या लगता है कि इस तरह से दोनों को जंग से दूर रखने के लिए कोई इंतजाम किए जा सकते हैं वन विभाग की ओर से? क्या कोई एरिया बनाया जा सकता है, बाउंड्री सेट की जा सकती है क्या आगे? देखिए शिखा, चूंकि किसी भी टाइगर रिजर्व के अंदर 20 से ज्यादा मेल टाइगर्स नहीं होने चाहिए, अगर वो 20 से ज्यादा मेल टाइगर्स और क्षेत्र में है तो निश्चित तौर पर उनमें टेरिटोरियल फाइट होगी। और ये संख्या रणथंभौर में कहा जा सकता है कि 30 के आसपास, यहाँ मेल टाइगर है 30 के आसपास, जिसमें 20-25 कोर क्षेत्र में 5-10 ऐसे टाइगर्स हैं, मेल टाइगर्स जो पैराफेरी एरिया में अपने इलाके की पहचान बनाने की लगातार उधर घूम रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी स्थिति नहीं है। या तो इनको यहाँ से कुछ टाइगर्स को चिन्हित करके यहाँ से दूसरे टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाए, या फिर इस तरह की कोशिश की जाए कि अलग अलग जोन, क्योंकि 10 जोन है रणथंभौर के अंदर, अगर 4 जोन की बात करें तो 1 से 5 है, 6 से 10 बफर जोन भी है, लेकिन अब चूंकि इलाका ऐसा है, खासकर एमआरपी की बात करते हैं, मलिक तालाब, राजबाग तालाब और पदम तालाब की बात करते हैं, तो पानी उसी क्षेत्र में है और पानी उस क्षेत्र में है तो टाइगर कोशिश ये करता है कि उस क्षेत्र को अपनी टेरिटरी बनाए, क्योंकि वहाँ फीमेल्स का भी काफी देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर कोशिश तो की जा रही है कि दोनों को अलग रखा जाए, लेकिन नर बाघों की संख्या यानी मेल टाइगर्स की संख्या जब तक सीमित नहीं होगी, नियंत्रित नहीं होगी, तब तक ये टेरिटोरियल जो फाइट है इसका ये लगातार इसके इस तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगे। वन विभाग इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि उनको मॉनिटर करने के प्रयास किए जाए और कम से कम कुछ ऐसे बाघ अगर उनको संतुलित करने के लिए दूसरे इलाके में अगर उनका वहां आना जाना हो तो निश्चित तौर पर टेरिटोरियल फाइट रुक सकती है। लेकिन चूंकि ये तो दोनों एक ही माँ के बेटे हैं और इसी क्षेत्र में इनका जन्म भी हुआ है, तो कोशिश दोनों में यही जारी है कि इस इलाके पर कौन कब्जा जमाए, तो कोशिश अभी जारी है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ मॉनिटरिंग की जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और एक बार दर्शकों को वो वीडियो पूरी स्क्रीन पर दिखा देते हैं, देखिए जो वायरल हो रहा है।
मैंने नहीं बोला।